हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे 24 जून के करंट अफेयर का कुछ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखेंगे और बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन के साथ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या होता है आपके साथ जो भी सारी चीजें हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए, कल मैंने एक GI टैग के बारे में गलत बता दिया था, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और यहाँ पे क्या था, सोहराई खोवर पेंटिंग। तो सोहराई खोवर पेंटिंग जो GI टैग है, ये कहाँ का है, यह है झारखंड का, और मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़। तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। तो और जिन्होंने बताया उनको बहुत ही थैंक यू, जिन्होंने बताया कि ये चीजें सही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं 10 क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन में आएगा, आप कमेंट में लिख के अपना आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकता है। मतलब कि अगर कोई आम आदमी चाहे तो वो सेना में ड्यूटी कर सकता है, लेकिन वो कितने साल ड्यूटी करेगा, ये आपको बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम बताना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है फिक्की की। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसे यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है फोर नंबर, किसने नैन्सी ग्रेस रोमन का नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है, ठीक है। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे एक टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, ठीक है। तो वो किस एजेंसी ने रखा है, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है, तो ये किस एक्टर ने किया है, ठीक है। उनका नाम बताना है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है सिक्स नंबर, किस कंपनी ने कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक कॉलिंग ऐप आई है, ठीक है, जिसे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसका नाम है कैचअप। तो इस किस कंपनी ने लॉन्च किया है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, जियो टेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको पहले राज्य के बारे में बताना है जिन्होंने जियो टेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है, उस राज्य का नाम बताना है। एट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो उनका क्या नाम है, ये भी आपको बताना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य सरकार ने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण की परियोजना की शुभारंभ किया है, तो ये कौन सा राज्य है, उसका नाम बताना है। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, सर्व सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा, तो शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, और ये शहर 4 साल से लगभग शीर्ष स्थान पे है स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक है। मैं आपको लिंक कुछ हिंट दे दिया हूँ, अगर आपको क्वेश्चन की किसी भी आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, और एक एक क्वेश्चन के साथ हम 2 से 3 डिटेल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, इसमें आम व्यक्ति को कितने साल तक सेना में रह सकता है, तो ये है इसका आंसर 3 साल। क्या है, 3 साल। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है। थल सेना के प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, ये किसके हैं, थल सेना के। उसके बाद वायुसेना के हैं, वायुसेना, तो इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। उसके बाद आते हैं नौसेना, ठीक है, नौसेना के जो हेड हैं उनका क्या नाम है, करमबीर सिंह। क्या नाम है, करमबीर सिंह। तो देखिए, एक क्वेश्चन के साथ 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। थल सेना के कौन है, लिख देता हूं इसे, थल सेना मनोज मुकुंद, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों लोग क्या हैं, अपने बैचमेट हैं, ठीक है। तो ये तीनों लोग तीनों सेनाओं के हेड भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है जानवी फूकन। क्या नाम है, जानवी फूकन, ठीक है। अब फिक्की का फुल फॉर्म जान लेते हैं हम, क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। और ये बना कब था, ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था ये? 1927 में, ठीक है, कब हुआ था? 1927 में। और इसके अंतर्गत ये ट्रेड कंपनी है, ट्रेड कंपनियों में कितनी कंपनियां हैं इसके अंदर? 500 कंपनी, ठीक है। इसे एडिशनल नॉलेज है, ये कहीं पूछा नहीं जाता आपसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुमन गवानी। क्या नाम है? सुमन गवानी, ठीक है। तो सुमन गवानी को क्या मिला है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। अब यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, और इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है। और इसकी 5 आधिकारिक भाषा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, भाषाएं क्या हैं जो यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं हैं। ये हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। तो ये सॉरी 6 भाषाएं, 5 नहीं 6 हैं। चलिए अब यहाँ के महासचिव के बारे में जान लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरिस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरिस। और यहाँ के जो उप महासचिव हैं, ठीक है, उप महासचिव, इनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। क्या नाम है? अमीना जे मोहम्मद। और जो महासभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, महासभा अध्यक्ष, इनका क्या नाम है? इनका नाम है तजनी मोहम्मद बंदे। क्या नाम है? तजनी मोहम्मद बंदे। अब आते हैं फोन नंबर क्वेश्चन पे, किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो यह है नासा, ठीक है। तो नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर इस तक कहां पे है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए में, ठीक है, ये हो गया। और 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSS लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? यह है मशहूर एक्टर सलमान खान, ठीक है, इन्होंने, सलमान खान। इसमें ये क्या बनाते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें को ये बनवाते हैं, तो ये इन्हीं का ब्रांड है FRSS। किसका है? सलमान खान का। वैसे ये कंपनी है HRX, ये ऋतिक रोशन की कंपनी है। किसकी है? ऋतिक रोशन की। किस कंपनी ने कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है फेसबुक। कौन सी है? फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के सीईओ कौन है? सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, और इन्होंने ये सीईओ भी हैं, और इन्होंने ही फेसबुक को बनाया था, ठीक है। और यहाँ के सीएफओ कौन है? तो सीएफओ है यहाँ के डेविड वेनर। क्या नाम है? डेविड वेनर, WEHNER, ठीक है। तो ये है सीएफओ। उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति बनेगी राम जी की अयोध्या में, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, ठीक है। और राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा है कहाँ पे? लखनऊ में। और यूपी में क्या है? गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है, गिद्ध संरक्षण केंद्र। देखिए इन्वायरमेंट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। तो ये खुला है महाराजगंज में, महाराजगंज में, ठीक है। दामनी हेल्पलाइन शुरू हुई है UPSRTC के द्वारा, ठीक है। आपसे पूछा गया किसके द्वारा शुरू हुई? यूपी में तो शुरू हुई है, लेकिन किसने शुरू की? अब ये व्हाट्सएप सेवा किसने शुरू की? UPSRTC ने, ठीक है। जो UPSRTC मतलब जो बसें चलती हैं, ठीक है, सरकारी बसें, उन्होंने ये चीजें शुरू की है।
और अशफाक उल्ला खान के नाम से, ठीक है, जो हमारे क्रांतिकारी थे, तो उनके नाम से एक चिड़ियाघर बन रहा है। तो ये बन रहा है गोरखपुर में। कहाँ पे बन रहा है? गोरखपुर में। तो ये सारी चीजें जो बार बार एग्जाम में आपको घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको बार बार पढ़ने से बार बार याद हो जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 अवार्ड ऐसे बताऊंगा जो 2020 में लोगों को मिले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी सारी चीजें हैं वो आपको क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी और आपको कुछ दिन में याद हो जाएगा। तो मैं कम से कम 5 अवार्ड के नाम बताऊंगा आपको। तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है राजीव जोशी को। किसको? राजीव जोशी को, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर लिखूंगा। MS स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है, किसे मिला है? वी प्रवीण राव, ठीक है। अब अगला पढ़ता हूँ, पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, ठीक है, नवीन पटनायक को मिला है। उसके बाद चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड पुरस्कार है, ठीक है। तो किसे मिला है? आरफा शेरवानी, आरफा शेरवानी प्लस रोहिणी मोहन, इन दोनों को क्या मिला है? इन दोनों को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार। उसके बाद है पॉली उमरीगर पुरस्कार, ठीक है। तो ये मिला जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को ये चीजें मिली हैं। उसके बाद है 2020 का टायलर पुरस्कार, टायलर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है पवन सुखदेव को। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, पवन सुखदेव, क्या नाम है इनका? पवन सुखदेव। और एक अवार्ड और है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है असम के डिब्रूगढ़ जिले को। किसे मिला है? असम के डिब्रूगढ़ जिले को। अब आते हैं किस 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। किस राज्य सरकार ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना का आरंभ किया? तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो चलिए, यूपी के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है और अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये शहर है इंदौर, ठीक है, और ये 4 साल से फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। किस पे है? फर्स्ट रैंक पे। और इंदौर किसका जिला है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। किस स्टेट का जिला है? मध्य प्रदेश का। और ये मालवा पठार के पास में आता है और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठीक है। और यहाँ की जो बैंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ की जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ही फेमस हैं। और मध्य इंदौर को हम कहते हैं फूड सिटी, क्या कहते हैं? फूड सिटी, ठीक है, फूड सिटी के नाम से जाना जाता है इंदौर। और मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री की जो प्रतिमा बनी है, ये बनी है आपकी वाराणसी में, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये बनेगा कुशीनगर में। तो ये देश का, हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय है, ये कहाँ बनेगा? कुशीनगर में। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत सारी डिटेल की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।